बोलो। What? क्या बकवास कर रहा है? किसने निकाले वारंट? खबर पक्की है। इसकी ऐसी की तैसी। तो प्लेन रेडी करवा। मैं पहुंच रहा हूं आधे घंटे में। ओके। खान, खान। सर, क्या पता चला? कौन करवा सकता है ये? सर मिनिस्टर आफरीदी। इसकी ऐसी की तैसी। गाड़ी में सामान रख, मैं आ रहा हूँ चेंज करके। और सबको बोलो निकले बस। तुम सब पिछले दरवाजे से बाहर निकलो, जल्दी जल्दी निकलो बाहर, जल्दी निकलो। हेलो, जल्दी करो, जल्दी निकलो। मेरे छोटे से अकाउंट में $2 लाख जमा करवाओ। राइट सर। रुदाबा निकल गया, आदिल क्या कर रहा है? आने से मना कर रही है। सर आप तो निकले। ऐसे कैसे जा सकता हूँ मैं? सर समझने की कोशिश करें, रेड पड़ने वाली है सर। नहीं नहीं है वो मेरी। किसी को अंदर मत आने देना। निकलो तुम लोग, निकलो सारे। चलो गाड़ी में निकलो, चलो। रुदाबा, रुदाबा फौरन यहाँ से निकलो। तुम जाओ आदिल के घर। मैं कहीं नहीं जा रही। रुदाबा, रेट पड़ने वाली है थोड़ी देर में। पड़ने दे रेट? I don't you understand? बहुत खतरा है यहाँ पे। किस चीज का खतरा है बशर? मैं अपनी कमजोरी किसी के हाथ लगने नहीं देना चाहता। और मैं आपकी कमजोरी हूँ भी नहीं। सर जल्दी करें, फौसी सारी पहुंचने वाले। आदिल को बोल इसको आके लेके जाए। तुम्हारी गिरफ्तारी के वारंट है हमारे पास, तो मैं भी हमारे साथ थाने चलना होगा। तो क्यों? बशर मोमिन से पूछिए ये बात। गलती है बशर मोमिन की। मैं बीवी हूँ उनकी। कहाँ गया बशर मोमिन? जाओ घर की तलाशी लो। मेरे घर की तलाशी मत लेना, आपके उस वारंट है। देखिए जी, बशर मोमिन के केस के बारे में ये कमेंट्स हैं कि बशर मोमिन उनके साथियों को किसी भी तरह की रियायत नहीं दी जाएगी। मुझे नहीं पता, कल घर से निकल गए थे सुबह सुबह ही। फोन करें बुलाओ से। देखिए जी, ये बशर मोमिन साहब पे कोई पहला केस तो है नहीं, मीडिया में अच्छी खासी पजीराई हो चुकी है इनकी। हम वारंट वाले नहीं, उठा के ले जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा तू किधर गया, समझा? बशर मोमिन किधर है? मुझे नहीं पता वो कहाँ है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि उसे कॉल करें। मुझे नहीं पता बशर मोमिन कहाँ है। हमारी हुकूमत ये साबित करके रहेगी कि कोई भी शख्स चाहे वो कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, उसे कटहरे में लाकर खड़ा करने की ताकत हम रखते हैं। He is a criminal. सारा जमाना जानता है कि कल तक तो ये इस हुकूमत के मंजूर नजर थे। और मत करें ड्रामा मेरे सामने। बता, तू ही बताएगा किधर गया वो? मलेशिया किधर बना है? बोल। ये जो बशर मोमिन जैसे बंदे हैं ना, ये लोग खुद पालते हैं ताकि इनकी नाजायज कमाइयां काली से गोरी की जा सके। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे नहीं। I don't have a best time. देखिए आप लोग गलत कर रही हैं। सीधी तरीके आप लोग गलत कर रही हैं। प्लीज बुलाइए उसे। I don't know. जिन्होंने एक पैसा पैसा लूट कर पाकिस्तान से बाहर भिजवाया है, हम इसको अरेस्ट करके वो सारा पैसा पाकिस्तान में लाएंगे। इनके ऊपर अपनी छोटी छोटी नाराजगियों पे केस बनाते हैं, फिर खुद ही मुख मुआ करके केस बंद, फाइल बंद। आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, प्लीज यहाँ से चले जाएं। मार दो, लेके जाऊंगा। बोल किधर है वो? मुझे नहीं पता बशर मोमिन कहाँ है। मुझे नहीं पता। और आप सब लोग देखेंगे कि उसे अरेस्ट किया जाएगा और कानून के हवाले किया जाएगा। अबे किसी होटल वोटल में ठहरा था क्या, लाके विला में पटक दिया तूने? अबे आज जानता हूँ कितने एजेंसी वाले घूम रहे होते हैं यहाँ पे, पता है? मीडिया 10 दिन चोर मचाएंगे, चुप हो जाता है। अदालतें वो आदम शवाहिद के बिना पर चुप। वो कहीं भी पाताल में भी होगा तो मुझसे वहीं से ढूंढ कर लाएंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। हाँ ठीक है, ठीक है सर। अगर इस बार फ्लाइट मिस हो जाती तो जरूर जेल जाना। सर ठीक ही तो कह रहा हूँ, अगर अपने वतन में होती तो दुर्गत बन जाए। इस बात पर तो नैप, कस्टम, एंटी करप्शन और स्टेटमेंट सभी जैसे एक ही तरह के इल्जाम लगा रहे हैं। फजूल की बातें से होगा, मुझे सिर्फ ये बता के जब रेड पड़ी थी तब रुदाबा तो नहीं थी घर में। सर दोनों घरों को पुलिस ने घेर के रखा, आने जाने वाले की तलाशी हो रही है, फोन टैप हो रहे हैं। और सर
सब्र करने को कहा। हो सकता है इस बार झगड़ा बढ़ गया हो, नाराजगी सख्त हो, मगर गुस्सा ठंडा होते ही सब कुछ माफ हो जाएगा। आपकी कंपनी मशगूल है तो इंक्वायरी रिपोर्ट भी आपकी फेवर में नहीं है, इसलिए हमें आर्डर है कि आपको गिरफ्तार करना पड़ेगा। लेकिन हमारा कोई कसूर ही नहीं है। अभी आपको जाना पड़ेगा। आपकी बेहतरी इसी में है कि आप बशर मोमिन के बारे में बता दें कि वो इस वक्त कहाँ है। आप बार बार एक ही सवाल पूछ रहे हैं, मैं आपको कब से एक ही जवाब दे रही हूँ, मुझे नहीं पता वो कहाँ है। ठीक है, तो हम आपको भी उनका साथी कंसिडर करेंगे, वैसे ही जैसे आपके भाई और भाभी के खिलाफ इंक्वायरी चल रही है। आप अदालत से डर कर आ सकती है, और अगर इससे पहले बशर मोमिन गिरफ्तारी दे देता है तो आपको छोड़ दिया जाएगा। इन माने सर, मुझे नहीं पता वो किधर है, मैं कुछ नहीं जानती। अच्छा ये बताइए कि आपका उसके साथ रابطہ किस तरह से? मेरा रابطہ नहीं होगा। ठीक है, तो फिर ये बताइए कि आप उनके बिजनेस के बारे में क्या जानते हैं? जब मैं कुछ नहीं जानती तो मैं आपको कैसे बता? ऐसा कैसे हो सकता है आप उसके बिजनेस के बारे में ना जानती हो, जबकि आप इतनी ऐशी के साथ जिंदगी बसर कर रही हैं, आपको ये तक नहीं मालूम कि आपकी आमदनी का जरिया क्या है? मुझे वाकई नहीं मालूम, मुझे वाकई नहीं मालूम, आप प्लीज जाए यहाँ से। इस वक्त वो कहाँ पे है? इस वक्त वो घर नहीं है, मेरे हस्बैंड घर नहीं है, आप जाए प्लीज। ठीक है, फिर जब भी आपका उसके साथ रابطہ होगा, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस आपके घर के बाहर खड़ी हैं, या तो वो पकड़ा जाएगा या फिर फौरन ही मार दिया जाएगा। और अगर आप चाहती हैं कि वो हमारी फोर्सेस के हाथों या अपने दुश्मन के हाथों ना मारा जाए, तो प्लीज उसके बारे में हमें बता दें। आप जानती नहीं कि उनके खिलाफ कितने एग्रेसिव ऑर्डर्स हैं। आपको चलना पड़ेगा हमारे साथ, बिल्कुल। आप सोच लें, कल हम फिर आएंगे। कौन कौन? मैडम बुलंद साहब आए। उससे कहिए कि घर के साहब घर पे नहीं है, और मैं इस तरह किसी से नहीं मिल सकती। रुदाबा दरवाजा खोलो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। बुलंद देखे, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, खुदा के लिए वापस चले जाएं। रुदाबा तुम डरो मत, मैं हूं ना, मैं तुम्हें निकालूंगा इस जहन्नुम से। किस जहन्नुम से? तुम दरवाजा तो खोलो, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूं। सुनिए, आपकी मदद की जरूरत मुझसे ज्यादा आपकी बीवी को है, जाए उसकी मदद करें। मैं वापस तुम्हारे लिए आया हूँ, सिर्फ तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ मैं। बुलंद आप होते कौन है मेरे और मेरे शोहर के बीच में आने वाले? गार्ड जी मैडम, इनको ले जाओ यहाँ से। चले भाई प्लीज, चले सर, सर चलिए। क्यों बन गई है।
तुझसे जो दूर हूँ मैं, कितना मजबूर हूँ मैं, हर कदम अब साथ मेरे बेबसी है, तू ही तू आँखों में हर पल, तू ही तू यादों में हर पल, तू ही तू दिल में बसा है बाखुदा। आइए बशर मोमिन केस में आज बशर मोमिन के घर वालों की कोर्ट में पेशी के हाल जानते हैं। बाबा क्या बकवास, फोन लगा मेरे सर को, फोन लगा भी सर, नंबर कैसे हो गया? अबे भाग में गया नंबर, ये तो जो गोली मैंने मिनिस्टर को मारी है तेरे सीने में उतार दूंगा, मिला भी के लिए सर कॉल लगी सर। हाँ सुनित बशर बोल रहा हूँ, क्या बकवास चल रही है सब, मेरी बहन और जेल। मेरी बात सुन, 24 घंटे दे रहा हूँ तुझे, 24 घंटे, अगर मेरे घर वालों में से किसी को भी कोई नुकसान पहुंचा बेटा, उतना बोझ जितना बाद में काट सको, क्योंकि अगर मैं खामोश बैठा हूं अभी तक तो उसकी कोई वजह है। मना क्यों कर रहे हैं हमें सवाल करने दें से? भाई बहन ने इतना आराम खाया तो लड़के के पास कम होगा। आप हमें ये बताएं, आप हमें ये बताएं, क्या आपने कभी उनको मना करने की कोशिश नहीं की? कभी उनको मना करने की? हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। किससे? भाई की जायदाद से या भाई से? ना भाई से ना भाई की जायदाद से। अगर वो हमारा भाई होता तो ये हमें छोड़ के ना जाता, उसे हमारी इज्जत का कोई ख्याल नहीं था। सुनने में आया कि आपकी शादी के टूटने के जिम्मेदार खुद आपके भाई हैं। वो हमारी बर्बादी का जिम्मेदार है, उस एक शख्स की वजह से हमारी जिंदगी जहन्नम बनी रही। उसने आज तक जो भी कमाया सिर्फ अपने लिए कमाया, उसकी सोच उसके इरादे से सब कुछ हुआ, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। हम लोग उसकी बात इसलिए मानते रहे क्योंकि हम बेबस थे, मजबूर थे। जब हुकूमत उसे पकड़ नहीं सकी तो सारा गुस्सा हम पे निकाल रही है। मेरे भाई बहनों को फजूल में अरेस्ट किया गया है। मैं आपसे हाथ जोड़ के कहती हूँ कि हमें भी बशर मोमिन के अजाब से बचाया जाए, बचाया जाए हमें उसके अजाब से। कैसे बोल रही है? इतनी छोटी सी होती थी, खाना नहीं खाती थी जब तक मैं अपने हाथों से इसके मुंह में दिवाला नहीं डाला। आज इसकी जिद पूरी करने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं, और आज टीवी पे देख कैसे प्यारी लग रही है ना। पहली चोरी की थी मैंने इसके लिए, लेकिन अपोलॉजी के मसले पे बहुत शौक से खाती थी आइसक्रीम। बुलंद बख्तियार मेरे और मेरे शौहर के किरदार पर कीचड़ उछाल रहा है। मेरी और बशर की तो लव मैरिज थी और हम एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। मेरी बुलंद बख्तियार से मंगनी थी, लेकिन मोहब्बत मुझे हमेशा अपने शोहर बशर मोमिन से थी। मैंने उनकी खातिर वो मंगनी तोड़ी और उस बात की भड़ास बुलंद बख्तियार अब मौका देख के निकाल रहा है। आप एक मनी लॉन्ड्रिंग से मोहब्बत करती हैं जिसके नाजायज कामों का कोई अंदाजा नहीं है, ये आप कैसे कह सकते हैं?
ये सवाल तब पूछिए जब सब सबूत आपके पास हो, जब वो मुजरिम बन जाए। अभी सिर्फ इल्जाम है और आप ये दावा नहीं कर सकते। पर आपकी नंद ने तो लातालुकी का इजहार कर दिया है आपके शोहर के साथ। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों किया, लेकिन औरत दो किस्म की मोहब्बत करती है। एक होती है औरतों वाली, खुदगर्ज, लेन देन वाली, ये मोहब्बत हर औरत कर सकती है। और एक मोहब्बत होती है जो माँ के प्यार की तरह की होती है, सेल्फलेस। बुरा है, भला है, मेरा है। मुझे अपने हस्बैंड से दूसरी किस्म की मोहब्बत है। अगर इतनी मोहब्बत थी तो सवाल नहीं किया कि उनके पास इतना पैसा कहाँ से आया है। इतनी मोहब्बत थी कि ये सवाल जहन में कभी उठा ही नहीं, सिर्फ उनके बारे में सोचती थी। तो आपको भी बुलंद बख्तियार से मोहब्बत थी या नहीं? हरगिज नहीं, मुझे सिर्फ अपने शोहर से मोहब्बत है। क्या वो भी आपसे इतनी ही मोहब्बत करते हैं? हाँ। पर फरार होने से पहले आपको अपने साथ क्यों नहीं लेकर गए? बशर मोमिन अपनी बीवी को जहाँ रखना चाहता है वो बशर मोमिन का जाती मसला है। इस वक्त बशर मोमिन आपको देख रहे हो, आप उन्हें पैगाम दे के आके गिरफ्तारी दे ताकि आपके और आपके भाई भाभी की जान छूट जाए। अगर वो इस वक्त सुन रहे हैं तो मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये मुल्क, इस मुल्क की हुकूमत, यहाँ के जर्नलिस्ट, उनके बाकी के रिश्तेदार उनके बारे में जो मर्जी कहें, मेरे लिए वो मेरे बशर है, मेरे शौहर है। वो परेशान मत हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और मेरी वजह से उनको आने की जरूरत नहीं, वो जो फैसला करें अपने दिल के इत्मीनान से करें। आपको ऐसे शख्स की बीवी होने पे कोई शर्मिंदगी नहीं? मैं जानती हूँ कि आजकल मोहब्बत को चश्मे लगे होते हैं, लोग इंसान को अच्छी तरह पहचान के, देख के, जज करके मोहब्बत करते हैं। लेकिन मेरी मोहब्बत जरा ओल्ड फैशन है, मैं अपनी अंधी मोहब्बत से बहुत खुश हूँ। आप बशर मोमिन को पकड़ने में हुकूमत का साथ नहीं देंगी? No more questions. सच बोल रही है ना? अब कोई नहीं हरा सकता मुझे, कोई भी नहीं। आप लोगों की सोच है कि बशर कितना खतरनाक इंसान है, और आप लोगों को क्या लगता है रुदाबा अपनी सेंसेस में होगी? इतना अरसा हैरेसमेंट के बाद भी लड़की नॉर्मल कैसे रह सकती है? लेकिन उन्होंने तो सारा इल्जाम आपको दे दिया, इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा है कि वो इस वक्त घबराई हुई है। एक बार बशर गिरफ्तार हो जाए उसके बाद रुदाबा आप सबके सामने आकर एतराफ करेगी अपने साथ होने वाले मुजालिम का। बशर ने उसे मेंटली टॉर्चर किया है, जिसकी वजह से सैयद हर चीज से एतबार उठ गया उसका। देखे, हमारी अलहदगी हो चुकी है, ये पूरी फैमिली फ्रॉड है। बशर मोमिन से जुड़े हुए हर ताल्लुक से मेरा इनकार है, मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। हमें सिर्फ रुदाबा को आजाद कराना है। आजाद करो, आजाद करो, आजाद करो, आजाद करो, सेफ रुदाबा, सेफ रुदाबा, सेफ रुदाबा, सेफ रुदाबा, आजाद करो। अब वक्त बहुत बदल चुका है, आज नहीं तो कल बशर मोमिन जेल के सलाखों के पीछे होगा। हुकूमत पाकिस्तान आपको हर किस्म के तहफ्फुज की यकीन दहानी कराती है, लेकिन अगर आपको लगता है कि इस मुल्क में रहते हुए आपकी जान को किसी भी किस्म का कोई खतरा है, तो हम आपको सियासी पनाह देकर इस मुल्क से बाहर भी भेज सकते हैं। बस आपको हमारे साथ कुछ कोऑपरेट करना है। अगर आपको लगता है कि किसी भी इमोशनल ट्रिक के जरिए आप बशर मोमिन को दोबारा इस मुल्क में बुला सकते हो, तो प्लीज़ हुकूमत का साथ दीजिए। बताइए मिसेस बशर, क्या कर सकती हैं आप अपने मुल्क के लिए? मुल्क के मुजरिम को पकड़वाने के लिए हुकूमत का साथ नहीं देंगे क्या?
जो औरत अपना घर ना बचा सके वो अपना मुल्क बचाएगी? आप चाहते हैं मैं इमोशनल ट्रिक से अपने हस्बैंड को वापस लाऊं? मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करूंगी जिसकी वजह से मेरे हस्बैंड के हालात और सख्त हो। आप दोनों अपने शोबे में काफी माहिर और तजर्बेकार लगते हैं, शक्ल से खानदानी भी लगते हैं, इसलिए मेरी दुआ है कि आइंदा किसी भी औरत की मोहब्बत अपने हस्बैंड के लिए एक्सप्लॉइट करने की कोशिश नहीं करेंगे आप। ठीक है, सोच लें। जिस तरह से साहिरा और आदिल के खिलाफ सबूत बन सकते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से आपके खिलाफ भी सबूत बनाए जा सकते हैं। सर प्लीज, आप लोगों ने मेरे खिलाफ सबूत बनाने होते तो आप लोग बना चुके होते, इस वक्त मुझे कायल करने की कोशिश ना कर रहे होते आप। तो मैं समझूं कि इस मामले में आप अपने हस्बैंड के साथ मुलविस हैं? आप जो मर्जी समझें। यस सर, जी सर, ओके सर, ओके मैम, थैंक्स फॉर द कॉपरेशन। सुनो, तुम्हारी बेगम साहब ने बुलाया, जाके पूछ लो उनसे। आप रुकी, मैं पूछ क्या। कहाँ बैठ के बात कर? यही खड़े खड़े। यहीं खड़े खड़े इतना अजनबी हूं मैं तुम्हारे लिए? हाँ। क्यों बुलाया मुझे? ताकि आपको वार्न कर सकूं, मेरे और मेरे शोहर के बीच में आने की कोशिश मत करिए, अब आपकी कोई गुंजाइश नहीं रही। जो प्रोपेगेंडा आप लोगों ने शुरू किया हुआ है ना, इसे खत्म कर दीजिए। मैं ये सब तुम्हारी खुशी के लिए कर रहा हूँ। आप ये सब अपनी अना के लिए कर रहे हैं। जो मोहब्बत है तुमसे। और मुझे मोहब्बत है अपने शोहर से। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हो चुका है, इतने हैरान क्यों हो रहे हैं आप? अगर मैं अपने मंगेतर के साथ सिंसियर हो सकती थी तो अपने शोहर के साथ क्यों नहीं? भूल रही हो, उसने धोखा दिया है तुम्हें, मुझे। मैं वाकई भूल रही हूँ और मैं सब कुछ भुला देना चाहती हूँ, सवाय इसके कि अब मुझे अपने शौहर को बेहद मोहब्बत देनी है। इतनी मोहब्बत कि उनके सदियों से खुले जख्म भर जाए, जिन्होंने उस इंसान को एक दर्द बना दिया। पता नहीं कहाँ है वो, पता नहीं किस हाल में है वो। इतने दिन हो चुके, उनका तो जैसे सब कुछ ही चला गया। आखिरी रिश्ता था जिसकी मान पे उनकी सांसें चल रही थी, अब वो भी खत्म हो गया है। खुदा करे बुलंद की तैयबा के वो लफ्ज उनकी नजरों के सामने से ना गुजरे, वरना पता नहीं उनके दिल पे क्या गुजरेगी। मैं उनकी तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकती। देखिए, मैं अपने शोहर की वजह से ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ, आपकी ये बातें हमारे लिए मजीद बदनामी का बायस बन रही हैं। इसलिए खुदा के लिए हमें हमारे हाल पे छोड़ दें और वापस चले जाएं। अब ऐसा तो नहीं होता ना बुलंद, पुराने रिश्तों को बेस बना के आप किसी से बदला लें, किसी को टॉर्चर करें। प्लीज उन्हें और तकलीफ मत पहुंचाएं। आप में अगर जरा सी भी इंसानियत है ना, तो खुदा के लिए मेरे और मेरे शोहर के बीच में आने की कोशिश मत करें। प्लीज हमारा पीछा छोड़ दें। प्लीज उन्हें और तकलीफ मत दें। मैं जिंदगी भर आपकी एहसान मंद रहूंगी। अब जाएं बुलंद। प्लीज
कितना मजबूर हूँ मैं, हर कदम अब साथ मेरे बेबसी है। तू ही तू आँखों में हर पल, तू ही तू यादों में हर पल, तू ही तू दिल में बसा है बाखुदा। तू ही तू सपना था मेरा, तू ही तू अपना था मेरा, तू ही तू अब भी मेरा है बाखुदा। हेलो हेलो हेलो, कौन? मैं। आप फोन बंद कर दीजिए, मुझे पता चल जाएगा आप कहाँ हैं। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मैं सरेंडर हो रहा हूं। जी। तुम्हें कोर्ट आने की कोई जरूरत नहीं है, जेल में होगी मुझसे मिलने। जी। क्यों मुझसे मिलने नहीं आओगी? आऊंगी। तुम जानती हो मैं क्यों आ रहा हूं? साहिरा भाभी। नहीं, अपनी बीवी के लिए। सिर्फ तुम्हारे लिए। इश्क तेरा अब से मेरी बंदगी है। तू ही तू मेरी दुआ है, तू ही तू दिल की सदा है, तू ही तू मेरी वफा है बाखुदा। तू ही तू सपना है मेरा, तू ही तू अपना है मेरा, तू ही तू मुझ में बसा है बाखुदा। सर आ गए? आ रहे हैं। सर सारे मेहमान आदिल सर की बेहद हो चुकी है, वो लोग घर जा चुके। तुम बाहर जाओ, देखो रुदाबा अभी तक पहुंची क्यों। राइट सर। मैं भी आके हूँ रुदाबा। चार सू है अब जहाँ भी देखता। कैसे हैं आप? तू ही तू है। तुम कैसी हो? तू जुदा मुझसे नहीं। मैं ठीक हूँ। मेरा है मुझको यकीन है, दिल बस यही कह रहा है। याद तुम्हें क्या होगा यकीन है? यकीनन आपने ऐसा नहीं किया होगा। हाँ तू ही तू मेरी वफा है बाखुदा। अगर मैं नहीं कहूँ तो? तू ही तू अपना है मेरा।
तो मैं आपके इस झूठ को सच समझ के खुश हो जाऊंगी।